स्टार्ट। मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाई एजुकेट आवरसेल्फ एंड व्हाई एजुकेट अदर। हमें क्यों खुद इल्म हासिल करना चाहिए और क्यों दूसरों को इल्म हासिल करना चाहिए। हम सब ऐसे हैं या पूरी ज़िंदगी में हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इल्म की फर्जियत तो हम सबको ही पता है कि कुरान का पहला लफ्ज़ जो पहली वही आई वो इकरा आई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। और एक हदीस है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से भी मिले उसे ले लो। ये सब बातें हम सबको पता ही हैं। ये भी पता है कि इल्म बहुत अच्छी जरूरत है, एक ऐसा काम जिसके लिए हम अपने 17 साल बच्चे के लगा देते हैं, अपने लगा देते हैं। बच्चे 17 साल ही, जब से हम बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्यों, क्या ज़रूरत है कि हमें इल्म सीखना चाहिए। तो हमें सब बात करते हैं, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे इस पर कि इल्म क्यों ज़रूरी है। 5-5 के आप लोग ग्रुप में हो जाएंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि भाई इल्म क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप लोगों की जो जवाब आए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये सब बातें भी आपकी भी ठीक हैं। तो हमारे पास जो फाइनल बात आई वो यही आई कि इल्म क्यों ज़रूरी है। इल्म ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए पता होना चाहिए। अगर पता ही नहीं होगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है तो हम कैसे गुजारेंगे, ठीक है। तो अब एक सवाल पैदा होता है वहाँ पर कि इल्म जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, इल्म हमें बताता है कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो ज़िंदगी है क्या दरअसल। तो सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, ठीक है। तो ज़िंदगी इसका मतलब है एक आजमाइश है, और खाली इल्म हासिल करना नहीं बल्कि ज़िंदगी का हर काम, ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जब से पैदा होने से और संभालने से लेके मरते दम तक एक एक काम हम करते हैं। हम किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्यों जा रहे हैं। अगर हमारा यही हमारा एम यही होगा कि हम आजमाइश में हैं, हम एक कमरा इम्तिहान में हैं, तो हम ये हर चीज़ को बेहतर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम उसको उसी नज़र से देख सकेंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम यहाँ पर एक आजमाइश गुजारने के लिए आए हैं, हम इससे आगे हमारा हिसाब होना है, तो फिर हम जो दिल चाहे भेड़ बकरियों की तरह, जिस तरह भेड़ बकरियाँ होती हैं, जो भी होगा वो हम करते रहेंगे। भाई हाँ ठीक है चले, हाँ चले, हाँ चलो, वहाँ शादी में जाना है, हाँ चलो, इतने हज़ार का सूट बनाना है, हाँ बनाना है। तो ये नहीं होगा कि हमने क्यों बनाना है, भाई हम यहाँ पर ज़िंदगी में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो ज़िंदगी तो ये हो गई ना कि आजमाइश है। अब इस ज़िंदगी में आजमाइश है क्या, हमने क्या आजमाइश है ऐसी जिस पर हमने पूरा उतरना है, तो वो है तू अनफुसकुम व अहलकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपनी जानों को और अपने अहल आयाल को। इसमें हमारे पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी डाली है हमारे ऊपर, हमारी अपनी जानों की और हमारे अहल आयाल की भी, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे अहल आयाल, हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हमसे मिलते रहते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हम उनको बचाएँ। अब हम अल्लाह ताला ने हमें यहाँ लिया कोर्स के लिए चुन लिया है, तो अब हमारे पर ये जिम्मेदारी डबल हो गई है, मतलब जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता, ये कुरान की आयत है। तो अब हमें इतना कुछ पता चल गया है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तो हमारे पर डबल जिम्मेदारी आयद हो गई है कि हम अपने आप को भी सबसे पहले नार से बचाएं और अपने अहल आयाल को भी नार से बचाएं, यानी कि हम उनको एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो एजुकेशन होनी क्या चाहिए, एजुकेशन इसका मतलब है अगर हमें ये पता चल गया कि आजमाइश है ज़िंदगी और ये सब चीज़ें सब पता चल गया, तो इसका मतलब है नॉलेज भी ऐसे ही होनी चाहिए जो हम ज़िंदगी गुजारने में यूज़फुल साबित हो सके। तो अब ये पता करना है, नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता चल सके कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला अल्लाह ताला ने बता दिया है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। वो ये है कि वल असर इनल इंसान लफी खुसर इल्ल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल्हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि इंसान है ही खसारे में, ज़माने की कसम खा के बता दिया, ज़माने की कसम अल्लाह ताला ने कसम खाई है और कसम खा के अल्लाह ताला ने बताया, इसका मतलब है ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट है कि इंसान है ही खसारे में चाहे कुछ भी कर ले, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक और सबर की तलकीन की। चार नुकाती एजेंडा है, सबसे पहली बात तो ये कि ईमान लाए, दूसरी बात ये कि नेक अमल किए। अब नेक अमल कैसे पता चलेंगे, नेक अमल वैसे पता चलेंगे कि हम एजुकेट हों और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, तो हमें खुद पता हो कि नेक अमल है क्या, ये हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन असल में होनी बेस इस बात पर चाहिए कि नेक अमल कौन से हैं, नेक अमल होंगे तो हम ज़िंदगी बेहतर गुजारेंगे, हमें कौन कौन से अमल करने और कौन कौन से अमल नहीं करने। फिर हमें ये पता चल गया हम नेक अमल कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को फिर हक की तलकीन कर रहे हैं। हक की तलकीन क्या है,
सही करने वाले वो क्या हैं, ये हक की तकमील है। और फिर भी जब करने के बाद भी अगर हम पे कोई मुश्किल आई, हमारी जिंदगी अगर मुश्किल हो जाती है, हमारे हालात अपने घर में जैसे मर्जी होते हैं, फिर सब्र खुद करेंगे तो दूसरों को भी तकलीफ करेंगे। तो ये है, अगर हम एजुकेट हों तब हम कहलाएंगे एजुकेटेड, और इसी तरह हम अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगे।